नारी, नारी को हमारे यहां रत्न कहा गया, रत्न। और रत्न साहब खुले में नहीं रखा जाता, रत्न को सेफ में रखा जाता है, तिजोरी में रखा जाता है। मुझे बहुत सारी बहनें इस समय सुन रही होंगी, माताएं सुन रही होंगी, मैं कहना चाहता हूं जिनकी उम्र इस समय 45, 50, 60, 55 भी पहुंच गई है, तो मैं उनसे भी कहूंगा, बीच वाले लोगों को तो मैं भी समझा नहीं पाऊंगा। याद कीजिए आपके जब आपका ब्याह नहीं हुआ था तब का जीवन और आपके आज के जीवन में कितना अंतर है। तब आप ज्यादा सुरक्षित थे या आज ज्यादा सुरक्षित हैं? जिस तरह के केसेज आप आज रोज सुनने में आता है बहनों के साथ, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, क्या उस समय सुनने में आता था? नहीं आता था। पता है क्यों? क्योंकि उस समय आपको मालूम होता कि अगर शाम को सांझ होने के पहले बाजार भी गए हो ना आप लोग, और आप घर नहीं पहुंचे, तो आपकी आत्मा सूख जाती थी कि पिताजी, बाबा जी, दादी, चाचा सब चढ़ जाएंगे कि तुम लोग अंधेरा होने के पहले घर में क्यों नहीं आए। वो पागल नहीं थे, और वो जो डांट रहे थे ना उसी को ताड़ना कहा गया। अब आप बताओ वो तुम्हें बुरा लगता था कि अच्छा लगता था, बताइए। जितने केस आपने सुने हैं, चाहे वो कुछ साल पहले निर्भया हुआ हो या जो भी कुछ हुआ हो, उनकी परिस्थितियां क्या थी? देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप जाए नहीं जाए, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं बात परिस्थिति की करूंगा। मैंने नहीं ठेका ले रखा है कि आपको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, दिस इज योर बिजनेस। लेकिन मैं बात परिस्थिति की कर रहा हूं। एक बस में इस तरीके से आप जा रहे हैं, रात्रि में आप जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, घटना को कहीं हम आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं। आज मैं आपको कथा सुना रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से क्या कहा उस काल में, आज से 5,000-5,300 साल पहले, स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणी च, आई किस लिए हो इस रात्रि में, इतने सांझ हो गई, आने का प्रयोजन क्या है तुम्हारा? ये तो अधर्म है, रात्रि में स्त्री का घर से निकलना मना है। तब भी भगवान कह रहे हैं, लेकिन या तो हमें आजादी चाहिए या ये सब नाटक नौटंकी चाहिए, दो में से चॉइस इज योर। तब तारण की बात आई है, तब बात आई है कि उनको बताया जाए नहीं ये गलत है, आप घर में रहें, बाहर आपके साथ गलत ना हो जाए। इसको आप गलत कहते हैं तो बिल्कुल कहिए, लेकिन ये गलत नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए है साहब। रत्न सरे बाराज बाजार में रख दिया जाएगा, चुरा लिया जाएगा, रत्न को सेफ में ही रखा जाता है। लेकिन इस बात के दर्शन को व्यक्ति समझे तो ठीक है, बाकी तो फिर जो हो रहा है उसको सब हम और आप मिलके देख रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग टुडे, यू नो इट वेरी वेल। तो जो घट रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, और आपको लगता है कि मेरी बात आपको ठीक लगी तो प्लीज इस चर्चा को इसी समय शेयर कर दीजिए। पसंद आ रहा है प्रोग्राम तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कड़वी बातें बोलने डेली आता हूं 9 बजे, जिससे मेरी संस्कृति, मेरा समाज जाने अपने आप को और चीजों को बेहतर करे और एक श्रेष्ठ हेल्दी समाज की स्थापना हो। यह मेरा कार्य है, मैं करता रहूंगा। मुझे सनातन परिवार में जन्म मिला है, हम सब सनातनी हैं, हमें चाहिए अपनी रीतियों को, अपने रिवाजों को, अपने कस्टम को, अपने धर्म को, और वेदों ने जो वाणी बोली उस तरीके से जीने के तरीके को हम जानें।